fine, we'll revise with what we have done in the last class. What were we doing in the last class? Complex? Complex variables, right? Complex numbers we found. Same thing. जैसे कि मैंने बोला इस चैप्टर को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट बेसिक, सेकेंड पार्ट बीइंग डेरिवेटिव लेना, इसको एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज रिविजन, ओके. एंड थर्ड वन इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रल पता करना, इंटीग्रल पता करना, फाइन इंटीग्रल करते हैं इसे, इंटीग्रल पता करना. बेसिक्स में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बेसिकली x प्लस आई वाई को आर ई और आई की ज्यादा रूप में लिख सकते हैं. एंड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू ई और आई थीटा. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत सारे सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. एंड इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? ई और टू पाई आई इज इक्वल टू वन. क्यों? साइन टू पाई प्लस कॉस 2 pi plus I sin 2 pi, which is 1, isn't it? Cos 2 pi is cos 0, 1 plus sin 0 is 0, which is equal to 1. अगर मैं यह minus भी लिख दूँ, still it will remain 1. तो plus or minus मैं period लिख सकता हूँ. E bar z का period में क्या बोल सकता हूँ? 2 pi है, ठीक है? ये एक important चीज है, cos theta plus I sin theta को मैं E bar I theta लिख सकता हूँ. और एक important चीज हमने ये देखी थी कि sin हाइपरबोलिक थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा बाय 2, इज़ इट? और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का ई पावर थीटा प्लस ई पावर माइनस थीटा बाय 2, ठीक है. अब इसी में से मैं साइन थीटा का डेफिनेशन बता सकता हूँ. साइन थीटा का कैसे बता सकता हूँ? ई पावर आई थीटा और एक्स लिख लीजिए. ई पावर एक्स, साइन एक्स कैन बी रिटन एज ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स बाय 2 आई होगा, इज इट? एंड कॉस एक्स कैन बी रिटन एज ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स प्लस बाय 2. ये बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो पता होना चाहिए. इफ यू नो दैट, आप सारे हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज निकाल सकते हो, इज इट? तो रिलेशनशिप बिटवीन क्या है वो सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, करेक्ट. एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है. साइन हाइपरबोलिक आई थीटा इज इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा एंड cos hyperbolic i theta is equal to cos theta. If we know these four relationships and if we know all trigonometric formulas, हम hyperbolic domain में सारे formulas निकाल सकते हैं. For example, trigonometric में क्या था हमारा? cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is trigonometric functions में, circular functions में. इसी का hyperbolic में क्या होगा? I theta put करो. So क्या होगा? cos x square x plus स्क्वायर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर x माइनस sin x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो सर्कुलर में ये है तो हाइपरबोलिक में ये है. i थीटा को मैंने x में रिप्लेस किया जस्ट टू डिफरेंशिएट. तो i थीटा को मैं ix लिखूंगा, थीटा को मैं ix लिखूंगा, तो ये क्या बनेगा? प्लस i होगा. माइनस और प्लस डजंट मैटर, अल्टीमेटली यहां पे तो माइनस आएगा क्योंकि आई स्क्वायर बचेगा, ठीक है. तो ओनली कंक्लूजन इज इफ वी नो दीस फोर आइडेंटिटीज, मैं कैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में लिख सकता हूं, ठीक है. और ये पढ़ाने का इंटेंशन ये था कि आप कैसे दे सकते हैं कि cos hyperbolic of z का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए. तो क्या कर सकते हो? cos hyperbolic of x plus iy, दिस इज cos hyperbolic a plus b. तो आपको cos a plus b पता होना चाहिए, वहां से cos a cos b minus sin a sin b आएगा, उसमें से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप निकाल के यू कैन फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है.
ठीक है, तो मेनली रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सब चीजें करवाए, ठीक है। तो बेसिक से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पता करने का आएगा, मॉड्यूलस निकालने का, रूट्स निकालने का, ये सारे बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे, ठीक है। इसमें से आने की प्रॉबिलिटी कम ही है, पर ये हमने कवर कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम आज करने वाले हैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव निकालना करने वाले, ठीक है। रफ कर रहा हूं, वुड बी रेडी गाइस, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हमने लिमिट रियल वैल्यू फंक्शन में कैसे पढ़ा था, रियल वैल्यू फंक्शन में हमने कैसे पढ़ा था, व्हाट वाज द डेफिनेशन देयर, डेफिनेशन क्या था, यू रिमेंबर द डेफिनेशन और नॉट। बेसिकली हम रियल वेरिएबल रियल वर्ल्ड में जैसे पढ़े थे ऑन द सेम लाइंस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे हमने लिमिट क्या बताया था, लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन किया था, पहले लिमिट क्यों पढ़ा रहा हूं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ही कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस होगा तो ही डिफरेंशियबल होगा, डिफरेंशियबल होगा तो ही मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए लिमिट, ठीक है। तो लिमिट का डेफिनेशन बताइए, हमने रियल वर्ल्ड में कैसे पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, व्हेन फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव डेल्टा सच दैट डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन एंड सो दैट I mean, sorry, for every x minus a less than delta, isn't it? इसका definition ये चार ही लाइनें होते हैं, ठीक है? This is the statement, for every epsilon, there exists a delta, which is positive number, such that the difference between the fx and l is less than epsilon, for every the difference between x and l less than delta, ये होता है आपका definition. अब ये सारे सिंगल लाइन में थे, ये हमने डेफिनेशन बोलते हैं, वी नेवर यूज दिस बट वी रीड दिस डेफिनेशन, देन व्हाट वी से, वी से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिंस दिस इज ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन, हम एक लाइन पे बात करते हैं, इज इट इट, सिंस दिस इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन एक्स, तो राइट हैंड से आ सकता है लेफ्ट हैंड से आ सकता है, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, इज इट इट। नाउ व्हेन यू कम टू कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, यहां पे हम कैसे लिखते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz इज इक्वल टू सम a, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ दिस सेम, फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स अ डेल्टा व्हिच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट योर fz माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल और फॉर एवरी z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा, इज इट इट। यहां पे x माइनस a लेस देन डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे x माइनस a का मॉड्यूलस इज लेस देन डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले माइनस कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर रहा हूं, मॉड्यूलस जब भी मैं लगा रहा हूं तो पॉजिटिव डिफरेंस पता कर रहा हूं, मतलब कितना आगे है या कितना पीछे है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन योर वेरिएबल अप्रोचिंग टू the constant on the same lines yahan pe this will form a small line isn't it ab yahan pe kya banega mind you are doing this thing that z is a two variable function here yahan pe z jo hai wo x aur y mein z is not alone z is x plus iy to mod z minus 1 lunga to main kya likh raha hu yahan pe so what is this I am showing here yahan pe agar main kuch represent karu to ye line banega यहाँ पे क्या बनेगा? For example अगर मैं इसे पूछूं, mod z minus 1 is equal to 2,
ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, अगर मेरा z इज x plus i y है तो ये क्या बनेगा, x plus i y minus 1 का mod is equal to 2, तो ये क्या बनेगा x minus 1 का square plus y square is equal to 2 square. What is this? This is a circle. This is a circle with some center and some radius. So whenever I am talking in more than one variable, I will not see in a line, I will see in a region. It happened to be a circle here, isn't it? I will always consider in a region. And जाहिर सी बात है, यहाँ पे line है, तो इसीलिए मैं left and right से आ सकता हूँ। जब मेरा x y दो variable function है, तो मैं किसी भी direction में आ सकता हूँ, isn't it? आप समझ रहे हो मेरी बात को? This is z and this is z not. We understand this. Now here comes the complexity. कि हम इसकी लिमिट कैसे पता करें? हमने शायद लास्ट टाइम एक बार पढ़ा था कि व्हेनेवर वी आर हैविंग अ टू वेरिएबल फंक्शन उसका लिमिट कैसे बता सकते हैं। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में आओ, लिमिट सेम आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट जिंदे। बेसिकली यहाँ पे ओनली वन डायमेंशन है तो लेफ्ट राइट देख रहे, यहाँ पे टू डायमेंशन है तो हमें हर तरफ देखना पड़ेगा। हर तरफ देखने के लिए हमने क्या किया, किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करो योर लिमिट शुड बी सेम, ठीक है। So this is what you have to keep in mind. Now, how do you find it? Analytic function ka help lenge. So make sure you understand this small, small, minute things. Okay? Now, rubbing. So basically, this is the definition of a limit of a function. Now, yahan pe left hand limit and right hand limit equal hona chahiye. On the same way, yahan kya bol sakta hu main? Limit approaching from z is equal to z naught in any direction, in any direction z z naught को approach करो तो वो a को ही approach करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x a को approach करेगा तो fz l को approach करेगा, यहाँ पे z z naught को approach करेगा तो fz a को approach करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका limit। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, continuity, ठीक है। Same thing, what is continuity? कंटिन्यूटी में कैसे पढ़ा सकता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz शुड बी इक्वल टू fz नॉट, इजंट इट? किसी भी डायरेक्शन में आऊं द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड नॉट बी अनडिफाइंड, मतलब 1 / z और ओरिजिन पे मैं नहीं देख सकता, ठीक है। तो शुड बी कंटीन्यूअस एंड द फंक्शन एट द लिमिट एट दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू द वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसको मैं दूसरी तरीके से भी बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा z क्या है, दिस इज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन, माय z इज x plus i y, isn't it? तो व्हाट इज माय fz, सम u plus i v, व्हेन u इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो व्हेन आई एम सेइंग z टेंड्स टू z नॉट, सम x y इन z इज टेंडिंग टू some x naught y naught, isn't it? When I'm saying my z is tending to z naught, what I really mean is my variable x y is tending to some constant x naught y naught, isn't it? वो single variable function में था या double variable function में? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, limit x tends to x naught, y tends to y naught, u plus i v, this is perfectly valid, isn't it? fz को मैंने क्या लिखा, u plus i v। अगर मैं थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, isn't it? इसको मैंने थोड़ा खोल दिया है, z को x y में दिखाया, अगर z z नॉट को टेंड कर रहा है तो x किसको टेंड करेगा, x नॉट को, y किसको टेंड करेगा, y नॉट को, और fz क्या होगा मेरा, fz will be u x y plus i v x y। तो मैं इसको ऐसे लिखा लिख सकता हूँ ना, x tends to x नॉट, y tends to y नॉट, uxy plus iota times limit x tends to x naught y tends to y naught vxy, okay? If this function is continuous at this point and if this function is continuous at this point, then this function is continuous at this point, okay? This covers the x naught y naught at uxy, x naught y naught at vxy, these are continuous at these points, यानी राइट z इज कटने से z पॉइंट्स। इसको मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके ऐसे भी मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। नाउ कंटिन्यूटी का आपको पता चल गया, एट अ पॉइंट
ठीक है, एट ए पॉइंट में कंटिन्यूटी बता पा रहा हूँ, इन ए रीजन में कंटिन्यूटी कैसे बताऊंगा? If it is continuous in each and every point of that region, it is continuous in the whole region. If it is not continuous at a point, fine. Except that point, elsewhere it is continuous. ठीक है, जैसे हमने two variable, single variable में पढ़ा था, same thing repeated here. At a point बता सकता हूँ मैं continuity, और एक region में हर point पे continuous है, तो पूरे region में continuous है. ठीक है? तो limit कैसे पता करने पता है, continuity पता है, उसके बाद क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन निकाल, इसका डेफिनेशन लिखो, ये इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन लिखो, ये इंपॉर्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, side heading being the derivative of fz. Let w is equal to fz be a single valued function. Single valued function matlab single valued function is basically this is z square plus 1 hai. Fz is equal to z square plus 1 polynomial le lijiye, this is single valued function. Whereas if I take log z, this is not a single valued function. Kyun? Kyunki isme e powers mein aayega और e power is repetitive. क्योंकि हम circular function में बात कर रहे हैं, तो since 2 pi i is the, तो यहाँ पर बताया कर रहे हैं log z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, real part divided by पूछ real part और imaginary part पूछूंगा तो half ln x square plus y square plus tan inverse y by x. This is at a point, minus a plus? Iota times. Plus iota ei. Okay? But मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं capital L लिख के, capital L log z is equal to half log e x square plus y square plus iota tan inverse y by x plus or minus 2 pi. Isn't it? Isn't it? मैं ऐसे लिख सकता हूँ. 2 pi n भी लिख सकता हूँ भैया, करेक्ट? ये सिंगल वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है, क्योंकि दिस एंड दिस आर सेम फॉर n इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये अलग आएगा, बट दे आर अल्टीमेटली इक्वल टू योर log z. दिस इज सिंगल वैल्यू फंक्शन, दिस इज मल्टी वैल्यू फंक्शन, तो कैपिटल एन से दिखाते हैं हम इसको. तो पॉलीनोमियल्स जो है वो सिंगल वैल्यू फंक्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक ही आएंगे, बट जहाँ पे भी log z दिखे, e power z दिखे, ऐसी चीजें दिखेंगे, वो मल्टी वैल्यू फंक्शन हो जाते हैं. ठीक है, so we are talking about a single value function. Moreover, there is this definition, it doesn't mind, don't bother it much. तुम्हें क्या बता रहा था? W is equal to fz be a single value function of variable z is equal to x plus iy. If W is equal to fz is a single value function of the variable z is equal to x plus iy, then the derivative W, then the derivative of W is equal to fz, then the derivative of W is equal to fz is defined to be, is defined to be dw by dz, is defined to be dw by dz is equal to f dash of z is equal to limit delta z naught tends to 0 or h tends to 0, jo bhi x small value tends to 0, f of z plus o small value minus f of z by the small value. Small value mein delta z naught dikhaya. Theek hai? Ye likhne ke baad dekho, provided ये इक्वेशन है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल
and is equal for all the different ways in which delta z naught approaches to 0, and it is equal for all the different ways in which delta z approaches to 0, and it is equal for all the different ways in which delta z approaches to 0. Delta z naught. Okay? So definition kya hai? We are talking about a function which is w is equal to fz, and this being a single valued function, matlab n ke terms koi nahi, theek hai, and z is expressed by y, is a complex variable. Now iska differentiation I can write as dw by dz, which is also equal to fz, f dash of z, which is equal to limit delta z naught tends to 0 for a small change in fx by fz by a small change. Provided this limit should exist, and in whichever way this delta z naught tends to 0, the limit should be same. Basically, this is more important. Limit should exist, and in whichever way it goes to 0, the limit should be same. Keeping this in mind, now how can this go to 0, in how many possible ways it can go to 0? Infinite ways, because we are talking in a circle or we are talking in a region. So ye nikalna hamare liye possible nahi hai, to hum kya karenge, we will take help of CR equations. Okay, so to determine this, write down a small point. It becomes quite difficult to check in all possible directions. For delta z naught tending to 0, it becomes difficult to check in all possible directions for delta z naught tends to 0. We will take help of Cauchy-Riemann theorem. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे थ्योरम लिखेंगे. This is like very important, very interesting. The necessary and sufficient condition for the derivative of a function. The necessary and sufficient condition for a derivative of a function w is equal to u plus iv. For a function w is equal to u plus iv to exist, for all values of z in a region, the necessary and sufficient condition for the function w is equal to u plus iv to exist, for the derivative of this u to exist for all possible values of z in a given region R, is all these partial derivatives should be continuous, all these partial derivatives should exist and should be continuous, and dou u by dou x should be equal to dou v by dou y, and dou u by dou y should be equal to minus dou u by dou x. These are called CR equations. CR matlab Cauchy-Riemann equations.
ठीक है। तो अगर डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो वी बाई डो एक्स, डो वी बाई डो वाई एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस है, एंड डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो यू बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो वाई शुड बी इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो एक्स, देन द लिमिट ऑफ सॉरी देन द डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड इन द गिवन रीजन आर, ठीक है, इन द रीजन आर, वो छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद इन अ रीजन, द रीजन इज आर। ना उस रीजन में वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उस रीजन में ये सारे एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए और ये क्वासी इवन इक्वेशंस सैटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आया? नाउ इसका प्रूफ देखते हैं। del u by del y or do u by sorry, do u by do x should be equal to do u by do y, do v by do y, and del u by del y should be equal to minus del v by x del x, right? So write the proof for this. Proof ek bar aap try kijiye, proof iska kaise ho sakta hai, ye main rakh raha hu। प्रूफ देखिए इसका, एफ जेड पोजेसेस अ यूनिक डेरिवेटिव, एफ जेड लिखिए इसका, एफ जेड पोजेसेस अ यूनिक डेरिवेटिव एट पी जेड, एट सम पॉइंट पी जेड, देन एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, limit delta z tends to 0 for z plus delta z minus fz by delta z। मेरे स्टेटमेंट मेरा क्या लेके चला, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आई कैन राइट माय fz एज दिस। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसका मतलब क्या है, इन व्हिचएवर वे माय डेल्टा z टेंड्स टू 0 द लिमिट विल बी सेम। सो आई विल टेक टू केसेस एंड आई ट्राई टू डिराइव समथिंग। What will be my case 1? My case 1 will be, assume z to be purely real. Next case 2 mein kya likhe chalunga, assuming my z to be purely imaginary. मैंने स्टेटमेंट ये लेके चला है कि मेरा f of z एग्जिस्ट कर रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूं, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इन व्हिचएवर पॉसिबल डायरेक्शन में डेल्टा z टेंड्स टू 0 द लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी यूनिक, ठीक है। तो इसको मैं माइंड में रखते हुए मैं दो केसेस लेके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। नाउ इसको मैं x y के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं बताइए। डेल्टा z टेंड्स टू 0 कैन बी रिटन एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0, isn't it? क्योंकि z टेंड्स टू z नॉट है तो उनके डिफरेंस शुड टेंड टू 0। एंड f fz को मैं कैसे लिख सकता हूं, fz इज बेसिकली व्हाट पहले जो स्टैंडर्ड नोटेशन बताया था, u plus iv, isn't it? एंड u y बीइंग द फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो यहां पे क्या आएगा, u ऑफ x plus delta x comma y plus delta y, correct? z plus delta z है तो x में भी small change है, y में भी small change है, और x y दोनों u में है तो u में ये change आया, plus i v times x plus delta x comma y plus delta y, proper? minus क्या आएगा बताइए, u x y minus i v x y divided by del x plus i del y, isn't it? del z था तो मैंने इसको del x plus del y। अब इसका केस वन देखिए, इसका केस वन, केस वन क्या है मेरा, मैं क्या लेके चल रहा हूं,
my z being purely real. That means my z being purely real. Then my what will happen to my delta y? Since it is purely real, my imaginary part will go down to 0. Isn't it? So the small change in imaginary part will also go down to 0. So uske according mein fz likhunga. So fz mein kya likhunga? Limit delta x tends to 0. ये तो एक्सिस्ट नहीं करेगा तो ये 0 टू 0 निकाल दूंगा. फिर क्या लिखूंगा? u ऑफ x plus del x comma y minus u x y divided by del x. मैंने क्या किया इसमें? ये टर्म 0 किया और वो टर्म इसके साइड में लिखा और del x लिखा प्लस. और क्या लिख सकता हूं? I limit delta x tends to 0 v x plus delta x comma y minus v x comma y divided by delta x. Isn't it? फिर मैंने v के टर्म्स को साइड साइड में लिखा, i कॉमन लिया और delta x नीचे लिख दिया. अब आप इसको केयरफुली देखिए. This is a function u in x and y. And keeping y constant and changing in x, and that is going to 0. So this is what basically this is del u by del x, isn't it? This is del u by del x plus I times ye kya hua? Del v by del x. Y kyunki main x mein change kar raha hu, keeping y constant. So ye yahi hoga del v by del x. On the same line, jab main case 2 lunga kya aayega bataiye. जब मैं केस टू लूंगा तो क्या आएगा? डायरेक्ट बताइए. लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 यू एक्स कमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कमा वाई डिवाइडेड बाय आई डेल वाई. यहां पे ये 0 रख दिया क्योंकि केस टू में क्या है? अज्यूमिंग इट्स प्योरली इमेजिनरी. तो z इज इक्वल टू आई वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, यहां पे ये 0 हो जाएगा, यहां पे ये 0 हो जाएगा. तो ये आया, ठीक है? प्लस i कॉमन लूंगा और लिखूंगा tan डेल्टा y टेंड्स टू 0 v x कमा y प्लस del y माइनस v x y डिवाइड बाय i डेल्टा y. इजंट इट? नाउ ये क्या बना? 1 by i बाहर है और ये क्या बना? 2u by 2y. ये बना 2u by 2y प्लस ये आई गया और क्या आया यहां पे? 2v by 2y. दिस इज अ फंक्शन u इन x एंड y एंड चेंज इन y देख रहा हूं कीपिंग x कांस्टेंट. तो ये बना del u by del y. ये फंक्शन इन y x एंड y है, कीपिंग x कांस्टेंट में चेंज इन y देख रहा हूं. तो क्या बना? del v by del x. ये आई यहां से कट गया. अब ये और ये सेम होना चाहिए. सेम कब होंगे? दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस टू. हाउ कैन आई कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ द रियल पार्ट्स आर सेम एंड द इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट दैट 2u by 2x शुड बी इक्वल टू 2v by 2y. And ये real part यहाँ पे ये है, real part यहाँ पे ये है. इसको मैं minus i भी लिख सकता हूँ, isn't it? One by i can also be written as minus i, isn't it? I i से divide कर लो, वो minus one बन जाएगा. Imaginary part कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2v by 2x is equal to minus 2u by 2y. These are your CR equations. मैंने क्या लिखा था? If limit exists, these are valid. If these are valid, limit will also exist. मैंने एक चीज proof मार के चली, तो दूसरी चीज आई. और ये choose, ये true होगा, तो limit भी exist करेगा. ठीक है? मैंने ये तभी लेके चला ना कि ये limit exist कर रहा है. और इसका limit का value किसी भी direction में लो, आप वो equal आएगा. तो उसी statement को मैंने लेके चला, तो ये आया मेरा. ठीक है? तो this will be basically your CR equations. ठीक है? समझ में आया? Right now, the heading is analytic function. Analytic function. A function fz
which possesses a unique derivative, a function fz which possesses unique derivative with respect to z, which possesses unique derivative with respect to z in all points of the region R, in all points of the region R, is said to be analytic function. Is said to be analytic function in that region. In that region R. Okay. यहाँ पे जैसे हम single value function में domain को साथ में लेके चलते हैं, यहाँ पे region को साथ में लेके चलना है. We usually tend to ignore the domain thing. But there is always there. Calculus में आप जब भी बात कर रहे हो, domain should be there. Without domain, किसी function का value नहीं. मतलब unless until the domain is the entire real part, here the entire complex part. Make sure the domain is always there. That's why in a region में बोलता जाऊँगा. ठीक है? So analytic function is also called as a regular function or holomorphic function. मैं regular function भी बुला सकता हूँ, analytic function भी बुला सकता हूँ, या holomorphic function भी बुला सकता हूँ. Basically ये function है कि मैं कब fz को ऐसे बुला सकता हूँ, when can I call fz being analytic in a region R? When the derivative is unique and it exists, मतलब unique ही होगा derivative तो and it should exist basically. वो कब exist करेगा? When your fz satisfies CR equations, isn't it? तो अगर मैं if I give my function is analytic, then it means that it satisfies CR equations. Or if I say that this function is satisfying CR equations, I mean that it is an analytic function or a regular function or a holomorphic function. ठीक है? And ये basically एक function है. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ fz को? U plus I v के साथ लिख सकता हूँ. Isn't it? अब U and V are called conjugate functions. If your function is analytic, that means if it satisfies the CR equations, what are the CR equations? Ux should be equal to Vy and Uy should be equal to minus Vx. Isn't it? Partial derivative में यही पढ़ा था ना हमने. U is function of x and y, तो ux का मतलब क्या है? Dou u by dou x, and this is dou u by dou y, and this is dou u by dou y, this is minus dou u by dou x. So if this is satisfied, it is called an analytic function, and if that function is analytic, उसके real part और imaginary part को हम conjugate functions बुलाते हैं. तो आपके question में क्या देंगे? They'll ask you that if the function is analytic, find the conjugate the function of this particular given function. ठीक है? तो इधर आपको ux y देके vx y पूछेंगे या vx y देके ux y पूछेंगे. This is basically a very standard question from this part. ठीक है, standard question यही है कि u देके v पूछेंगे, v देके u पूछेंगे, या u देके fz पूछेंगे, या u plus v देके कुछ और पूछेंगे. मतलब ultimately everything will revolve around this. ठीक है, make sure you understand this. Next. नहीं. If it is analytic, then only we can find the conjugate function or we can call them conjugate functions. Now, basically what are the CR equations? मैंने जैसे बोला था, dou u by, बताइए dou u by, should be equal to dou v by, and दूसरा क्या था? Dou u by, equal to minus dou v by, dou x, isn't it? Now, differentiate this with respect to x on both sides. Differentiate this equation with respect to x on both sides. तो क्या आएगा? Dou square u by dou x square. इस तरफ मैंने x के साथ किया, dou square u by dou x square हुआ. यहाँ पे क्या आएगा? Dou square v by dou x dou y. Dou square u by
दो एक्स दो वाई, इसको किसके साथ कीजिए, y के साथ कीजिए, तो क्या बनेगा, डो स्क्वायर यू वाई डो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस डो स्क्वायर वी वाई डो एक्स डो वाई। अब ये क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, मैंने ऐड वन एंड टू, क्या बचेगा मेरा, डो स्क्वायर यू वाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू वाई डो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। This is called a harmonic function. ठीक है, इसको हम harmonic function बुलाते हैं। It is harmonic function only if it is analytic function, isn't it? अगर वो analytic है, तब भी मैं dou u by dou x equal to dou v by dou y लिख सकता हूँ, और dou u by dou y equal to minus dou v by dou x लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिख पा रहा हूँ, तब भी मैं ये लिख सकता हूँ। तो if I give you as कि u is a harmonic function, then I mean that it is analytic function, isn't it? अगर मैं इसको harmonic function बोलूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, u is harmonic function. Now why I am telling all these things? This question में terminology कैसे भी हो सकता है, they can ask you, they can tell this is a harmonic function, analytic function, regular function, holomorphic function, कुछ भी दे सकते हैं exam में, you can use any name. So I'm just trying to state all the names. So can you tell me the v part of it or the similar signs? v पार्ट भी ऐसे ही आया, कैसे आएगा, इट विल बी माइनस दो वी स्क्वायर बाई दो एक्स स्क्वायर माइनस दो वी स्क्वायर बाई दो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस कॉमन लूंगा तो सेम थिंग आई कैन राइट इन v आल्सो, दो स्क्वायर v बाई दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर v बाई दो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज देन व्हाट आई कैन से, v इज अ हार्मोनिक फंक्शन इन x एंड y, या u इज एन हार्मोनिक फंक्शन इन x एंड y, u इज हार्मोनिक देन v विल आल्सो बी हार्मोनिक। ठीक है, समझ में आया, द व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस इज दिस दिस इज द टर्मिनोलॉजी दे यूज व्हाइल आस्किंग अ क्वेश्चन, इफ दे गिव यू इट इज हार्मोनिक, अंडरस्टैंड दैट इट इज, इफ इट इज एनालिटिक, इफ इट इज एनालिटिक इट विल सैटिस्फाई सीआर इक्वेशंस, इफ इट सैटिस्फाई सीआर इक्वेशंस यू कैन डू मिरेकल्स, सच में इफ इट इज एनालिटिक नो यू यू कैन डू हेल लॉट ऑफ थिंग्स विद इट, दैट दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस, शुड आई रन ऑल दिस ऑफ, लेट अप दिस ये तभी इक्वल होंगे व्हेन योर डू यू बाय डू एक्स डू यू सारे कंटीन्यूअस हो एंड पॉलीनोमियल में ये सारे ये इक्वल होते हैं इस तरह। मैं रफ कर दूं, रफ कर दूं, नाउ ट्राई टू सी, आई ट्राई टू देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल एंड व्हिच इज वेरी नाइस आल्सो। Assume I give you a function fz is equal to log z. It's a single valued function. क्योंकि मैंने n नहीं ले रहा, मैंने small log z ही लिखा, ठीक है? Now I want to differentiate this. I want to find the fz. How will I find? मुझे क्या करना है? Find fz करना है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता है, dou u by dou x वो सारी चीजें मैं करूँगा, ठीक है? तो मैं पहले तो fz को u प्लस आई वी के रूप में लिखना चाहता हूं, इसको मैं u प्लस आई वी के रूप में लिखना चाहता हूं। पता है u प्लस आई वी के रूप में क्या होगा, विल बी हाफ ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस iota tan इनवर्स y / x। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, कुछ नहीं z इक्वल टू r / i निकाल लीजिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो log z को मैं log x plus i y लिख सकता हूँ, log z को log x plus i y लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, log basic basic basic, इसको क्या लिख सकता हूँ, r e power i theta लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ultimately log r to the base e plus iota theta। तो x plus i y है तो r क्या होगा, under root of x square plus y square, theta क्या होगा, tan inverse y by x, assuming x square to be constant, I mean greater than zero, then I can get this. Now from here see, try to find your dou u by, so basically अगर मुझे fz पता करना है तो how can you do, either I can do dou u by dou x plus i dou v by dou x, this is also fine, or I can do dou u by
dou y plus I dou v by dou y, isn't it? I can write my fz as u plus iv, and if it exists, unique derivative exists karega, to aap x ke direction mein derivate kare ya y ke direction mein derivate kare, derivative same aayega, isn't it? Hum pehle to yehi cheez leke chal rahe the na, so that is why I can write either this or this, both will be equal. Now both will be equal when, only when the function is analytic. वही चीज के अराउंड में घुमा रहा हूँ यार. अगर सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो अनलिटिक होगा, या अगर वो अनलिटिक है तो सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ कि सोच लीजिए इसका सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. अगर सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि ये यू है या वी है. आइदर इसको पूरे को एक्स के साथ कर रहा हूँ या पूरे को वाई के साथ कर रहा हूँ. तो एक्स के साथ वाई के साथ वाई के साथ लिख दिया. अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसका मतलब क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. अगर यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो क्वाची रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो चेक करके देखिए क्वाची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो व्हाट इज योर यू, दिस इज योर यू, एंड व्हाट इज योर वी, दिस इज योर वी. बताइए दो यू बाई दो एक्स क्या होगा, हाफ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के साथ करना हो तो टू एक्स आएगा. तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा. नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ, दो वी बाई दो वाई करना चाहता हूँ. ये मेरा वी है, इसको वाई के साथ डेरिवेट करना चाहता हूँ. तो क्या आएगा, वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के साथ कर रहा हूँ, तो माइनस वन वन बाई एक्स. तो ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है मेरा, x square by x square plus y square into 1 by x. This will be x by x square plus y square. Fantastic. 1 is equal to 2. Is it? ये equal आया. Very good. एक condition. This one tan y by x. Tan theta का is it tan inverse theta का 1 by y by x square plus x square and y by x square with respect to y is 1 by x. y square by x square का y square by x square का नहीं ना, tan inverse theta 1 by 1 plus theta square into d theta, theta के जगह y by x है, तो 1 by x आएगा. now दूसरे कीजिए, बताइए 2 u by 2 y क्या आएगा, सेकंड नंबर क्या आएगा, y upon वेरी गुड. एंड डो वी बाई डो वाई क्या आएगा, डो वी बाई डो एक्स क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ऑब्वियसली माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा. तो अगर मैं इसको इसको माइनस कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा और ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, और ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं. वेरी गुड. जब ये इक्वल आ रहे हैं तो यूनिक डेरिवेटिव एक्जिस्ट करेगा, वो ये क्या ये होगा. ठीक है, पुट अप करके देखिए क्या है. तो माय एफ डैश ऑफ जेड क्या होगा बताइए, माय एफ डैश ऑफ जेड विल बी, पहला वाला ले रहा हूं डू यू बाय डू एक्स, बताइए क्या है मेरा, डू यू बाय डू एक्स इज एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इजंट इट. व्हाट इज माय डू वी बाय डू एक्स, यहां पे है ना, हां प्लस आयोटा टाइम्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, x minus iy by x square plus y square. अगर आप याद कर रहे हो तो very good. This is your final answer. But I'd like to take an insight from this. वो insight क्या है देखिए. If my z is x plus iy, then what is my z bar? X minus iy. X minus iy, isn't it? इसका conjugate है. And what is my z into z bar? X square plus y square. X square plus y square. What is z square? तो can I replace these things in Z? Because my question was asked in Z. तो let me try to replace this in Z. तो ये क्या बनेगा? Z bar by Z into Z bar. तो ये क्या हुआ? 1 by this is your now log x का differentiation क्या है? Log x का differentiation is 1 by x. On the same lines, if your function is analytic, उसका differentiation भी वही होगा. तो
बेसिकली हम लोगों को जिंदगी में क्या करना चाहिए, अनलिटिक है या नहीं पता करना चाहिए. इफ इट इज अनलिटिक देन ऑल द सिंगल वेरिएबल फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड हियर. ठीक है, इफ योर फंक्शन इज अनलिटिक देन ऑल द सिंगल वेरिएबल फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क sin z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos z होगा. क्यों? क्योंकि sin z इज अ पॉलीनोमियल, डिसकंटीन्यूअस, इज डिफरेंशिएबल. तो जो आपका सिंगल वेरिएबल या रियल वर्ल्ड में इसका डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन इसका कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी होगा. तो वहां पे जो डिफरेंशिएशन है, यहां पे भी वही डिफरेंशिएशन होगा. तो मेक दिस एज नोट आफ्टर राइटिंग दिस पॉइंट, राइट डाउन इफ द फंक्शन इज एनालिटिक, इफ द फंक्शन इज एनालिटिक ऑल द नॉर्मल डिफरेंशिएशन फॉर्मूलास विल वर्क. इफ द फंक्शन इज analytic, all the normal differentiation formulas will work. So ultimately अपने को analytic है या नहीं पता रहना चाहिए, वो कैसे निकालना है पता रहना चाहिए. ठीक है, now a small note on it, single note, small note लिखिए, note. A function which is analytic everywhere, a function which is analytic everywhere, a function which is analytic everywhere in the complex plane, everywhere matlab everywhere in the complex plane is known as an entire function, is known as an entire function. As derivative of a polynomial exists at every point, as derivative of a polynomial exists at every point, as a derivative of a polynomial exists at every point, a polynomial of any degree is an entire function. A polynomial of any degree is an entire function. ठीक है, तो जब भी मैं पॉलिनोमियल को देखूंगा मैं क्या समझूंगा कि ये एनालिटिक है. ठीक है, और एनालिटिक प्लस एनालिटिक को आप क्या कर सकते हो, एनालिटिक ही आएगा. ठीक है, इफ यू ऐड एन एनालिटिक फंक्शन विद अनदर एनालिटिक फंक्शन द रिजल्ट इज आल्सो एनालिटिक फंक्शन, जैसे कि हमने कंटीन्यूअस में देखा है. और सेम लाइन एनालिटिक में भी हम वो एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, तो यू अंडरस्टूड दिस ना, वेरी गुड. Write down a small question on this. Or what you can do is, I'd like to make a point. Find the polar equations in, find the CR equations in polar form. Find the CR equations in polar form. Try it here. Find the CR equations in polar form. एक और पॉइंट, अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डज इट मीन दैट इट इज एनालिटिक, नॉट नेसेसरी, इजंट इट? यू अंडरस्टैंड दिस, इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव माय एफ जेड एज जेड, इज इट एनालिटिक? यस, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, लगाइए चेक कर लीजिए. ठीक है, इफ आई गिव यू जेड स्क्वायर, polynomial, analytic, very nice. But if I give you z into z bar, how about this? Z into z bar is purely real function. Purely real function can never be analytic. क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें u u है. V का पार्ट कुछ है ही नहीं. Isn't it? Unless until एक पॉइंट पे पूछा है तो मैं बता सकता हूँ maybe. क्योंकि maybe उस पॉइंट पे वो जीरो जीरो बन रहा हो. आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने पहले पूछा z दिया है पहले या z स्क्वायर दिया है, उसमें बहुत इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट है, तो वो एनालिटिक होगा क्योंकि वो पॉलीनोमियल है. बट जब मैंने इसको सिर्फ रियल बना दिया तो वो कंटीन्यूअस तो है इन x एंड y, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज अ वेरी गुड फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, बट इट इज नॉट एनालिटिक. ठीक है, व्हेनेवर यू गेट समथिंग लाइक दिस मेक श्योर दैट इट इज ओनली कंटीन्यूअस, नॉट एनालिटिक. ठीक है, नाउ अनदर स्मॉल क्वेश्चन, मेबी
If I ask fz is equal to z square plus mod z theta square, ये है मेरे पास. ठीक है, I think this is a previous year question. My fz is z square plus b mod z का square. For fz to be analytic, what should be the value of b? Is the question. For fz to be analytic, what should be the value of b? Fz is equal to zz bar is a pure real function. This means it is continuous. Very good. And it is not analytic, but it is not analytic. तो कहीं पर भी मैं रियल फंक्शन को देखूं वो एनालिटिक नहीं होगा. ठीक है, वो ध्यान में रख लीजिए. ठीक है, ओनली रियल फंक्शन आपको दिख जाए तो एनालिटिक नहीं है. ये बताइए क्या हुआ इसको, क्या जीरो? ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए सॉल्व वाला क्वेश्चन, दिस इज ए लॉजिकल क्वेश्चन. जेड स्क्वायर इज एनालिटिक, इजंट इट? अगर सिर्फ मैं z square को देखूं तो analytic function है, क्यों? Polynomial है, analytic होगा. अगर मैं सिर्फ mod z के square को देखूं तो वो क्या होगा? Sir, real function होगा, which is non-analytic. तो जब आप analytic और non-analytic को मिलाओगे तो वो non-analytic आएगा, isn't it? तो that is why for this to be analytic, या अगर मैं guarantee के साथ कहना चाह, अगर if I want to make this analytic for sure, then I will keep my b is equal to 0. क्योंकि एनालिटिक प्लस नॉन एनालिटिक मे भी एनालिटिक हो सकता है, मे नॉट भी एनालिटिक हो सकता है, वो एम्बिग्यूटी रहती है. मतलब आप कल को कुछ एग्जांपल लाके दिखा सकते हो कि सर ये ऐसे हो गया, तो इट माइट बी पॉसिबल. बट टू मेक दिस एफजेड प्रॉपरली एनालिटिक, माय वैल्यू ऑफ बी शुड बी इक्वल टू 0. सो दैट यहां पे एक ऑलरेडी है, क्यों इसके साथ डिस्टर्ब कर रहे हो इसको? बेसिकली दिस इज ए बी अगर आई होता है तो ना बी बी का रियल बी बी का रियल नंबर, बी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, बी इज अ रियल नंबर. अगर b आयोटा हो तो ये पूरा प्योर इमेजिनरी बन गया ना. अगर प्योरली इमेजिनरी भी है तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीटली इजंट इट, दिस इज ऑलरेडी एनालिटिक इन इटसेल्फ. अगर मैं दो एनालिटिक फंक्शंस को मिलाऊंगा तो वो एनालिटिक ही होगा. ठीक है, अगर एनालिटिक नॉन एनालिटिक मिलाऊंगा तो आई एम नॉट श्योर कि वो एनालिटिक आ सकता है नॉन एनालिटिक आ सकता है. कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी एग्जिस्ट करेंगे वो एनालिटिक हो जाए. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट टू मेक इट एनालिटिक, इसको मैं जीरो ही रखूंगा तो वो एनालिटिक बन जाएगा अपने आप. ठीक है, आई डोंट वांट टू प्ले अराउंड मच विद दिस वन. तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये इसी के बेसिस पे दिया था कि अगर वो रियल फंक्शन है तो वो नॉन एनालिटिक, इसको ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन. ठीक है, वेरी गुड. प्योरली इमेजिनरी क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ बी बी बच रहा है ना, इजंट इट? एनालिटिक तभी होगा वेन क्वाचर इवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर प्योरली रियल है तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्योरली इमेजिनरी है तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, हाँ, हम क्या कर रहे थे नेक्स्ट? हाँ, fz इज इक्वल टू, मैं क्या ले सकता हूँ? u प्लस iv, इजंट इट? u एंड v बीइंग फंक्शंस ऑफ x and y. Now, if I replace my z with r e power I theta, assume if I replace my z with r e power I power I theta, u or v b r or theta के terms में आ जाएंगे, isn't it? अगर मैं z को r e power I theta लिखूंगा तो क्या बनेगा? R e power I theta is equal to u plus I v. Now मैं इस पूरे को एक बार r के साथ करूंगा, एक बार theta के साथ करूंगा और differentiate करूंगा. ठीक है, मैं R के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? R के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं पूरे को तो क्या होगा? F डैश
r e power i theta into e h to power i theta should be equal to dou u by dou r plus I dou v by dou r, isn't it? Now अगर इसमें इसको मैं करूं किसके साथ थीटा के साथ तब क्या आएगा f dash of r e power i theta into r iota e power i theta, isn't it? r e power i theta ये हो गया, correct? Now this should be equal to what? Dou u by dou theta plus iota dou v by dou theta. Now can I replace on the left hand side f dash of r e power i theta into e power i theta with this? तो ये क्या बनेगा? R इधर ही है और f dash r e power i theta into e power i theta को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसके साथ? ऊपर वाले के साथ. तो ये क्या होगा? R is equal to dou u by dou r plus I dou v by dou r will be equal to dou u by dou theta plus I dou v by dou theta. ठीक है, अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल करिए, क्या आएगा बताइए? आपका रियल पार्ट आएगा dou u by dou theta should be equal to minus r dou u by dou r, and रियल पार्ट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? r dou u by dou r should be equal to dou v by dou theta. These are your CR equations in polar form. ठीक है, these are your CR equations in polar form. अगर मैं इसको x y में ले रहा हूँ तो ये भी x y में है, अगर इसको मैं r theta में ले रहा हूँ तो ये भी functions of r theta है. ठीक है, very good, समझ में आया? Now write down a small question on this. For an analytic function fz is equal to u plus iv, fz is equal to u plus iv where u and v are being functions of x and y. So aap aise likh lijiye u plus iv. U is given by 3x square minus 3y square. 3x square minus 3y square. Then find v. इसको आप दो तीन तरीके से पढ़ेंगे. ये पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं, मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप भी ट्राई कीजिए. तीन मेथड से पढ़ेंगे, इसमें सबसे इजी कुछ नहीं है, सब अपने अपने में इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या दिया है मुझे, u क्या दिया है 3x square minus 3y square. u के साथ में क्या कर सकता हूं? dou u by dou x कर सकता हूं. तो क्या बनेगा? ये 6x बनेगा. इसके साथ और क्या कर सकता हूं मैं? dou u by dou y कर सकता हूं. तो क्या बनेगा? minus 6y बनेगा. ठीक है, मुझे क्या पता करना है? अल्टीमेटली मुझे v पता करना है. v पता करने के लिए मुझे क्या पता है कि I can write if this is analytic, it is given that your fz is analytic. तो मैं dou u by dou x कैसे लिख सकता हूँ? dou v by dou y, isn't it? And dou u by dou y को मैं कैसे लिख सकता हूँ? minus dou v by dou x, isn't it? So you can assume that आप ऐसे बोल रहे हो कि सर आप ऐसे लिखो dy by dx equal to 6x. ठीक है, तो v is equal to क्या होगा? 6xy plus fx. Now on the similar lines और dou v by dou x क्या हो सकता है? 6y है.
तो ये v क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस सम g y, इसमें कांस्टेंट मिला लो, इसमें कांस्टेंट मिला लो। नाउ हाउ कैन आई राइट माय एंटायर v, सो माय आइदर v कैन बी दिस और दिस, तो बेसिकली ये दोनों सेम ही हो गए ना, क्योंकि ये भी v फंक्शन है, ये भी v फंक्शन है। इससे मैं करूंगा तो कैसे दिख रहा है, ये फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, इससे क्या दिख रहा है, फंक्शन ऑफ y दिख रहा है। बेसिकली फंक्शन ऑफ x लिखने का मतलब ये है कि ये प्योर फंक्शन ऑफ x प्लस कांस्टेंट हो सकता है, यहां पे प्योर फंक्शन ऑफ y प्लस कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी और ये भी सेम है, तो ये प्योर फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी प्योर फंक्शन ऑफ y है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मैं देख के कंक्लूड करते हैं कि ये कांस्टेंट है। Do you understand this? So if this method is not proper, we try to do it this way. Okay? Do it this way. Individually cut this out. Right? Something wrong with this. So, कोई भी sound दिया हो, u दिया हो, तो dou u by dou x पता कर लीजिए, या dou u by dou y पता कर लीजिए, उसके according dou v by dou y आएगा, dou v by dou x आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस कर लीजिए और वो कॉन्सेप्ट को निकाल लीजिए। ठीक है, फाइन। नाउ पुट द हेडिंग एज, नाउ दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन यू इज गिवन एंड वी इज आस्क्ड, और वी इज गिवन एंड यू इज आस्क्ड। देयर इज अनदर मॉडल ऑफ द क्वेश्चन व्हेयर यू इज गिवन एंड एफ जेड इज आस्क्ड। अल्टीमेटली यू वी पता करके यू प्लस वी जोड़ के एग्जिट बताना चाहिए, बट देयर इज अनदर स्मॉलर मेथड फॉर दैट। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग एज मिल्ने थॉमसन मेथड, मिल्ने थॉमसन मेथड। या इस पे एक और सवाल कर लेते हैं, इस पे एक और सवाल कर लेते हैं। U is equal to 2k xy. U is equal to 2k xy. Then find v. U is equal to दिया है 2k xy. ये दिया है ना, एक मिनट। अच्छा। So U दिया है, v भी दिया है, x square minus y square. If it is analytic, then find k. This is another model of question. Which order will it be? U is given, v is given. Given, right? Given. U is given, v is given. And it is given that these both are conjugate functions. Conjugate functions means they are a part of an analytic function. One is real, the other is imaginary. Usually this being real, this being imaginary. If that is true, then find k. Is the question. Good. Fine, we'll do Milne Thompson. Right, you already written the ending as Milne Thompson. इसका proof थोड़ा अजीब होगा, proof भी नहीं बोल सकते हम। I don't know, already conclude. Fz is equal to what? U plus IV, isn't it? That z being a x plus IV, proper? Correct. U is function in two variables. V is function in two variables. Two variables means x and y. Now, dekho, what is the? We stated magic like this. If my z is x plus iy, what is my z bar? X minus iy, isn't it? From here, I can find x is z plus z bar by 2. Yehi to kar raha hu main. Z nikala. X plus i y let किया, z bar मेरा क्या हुआ? X minus i y हुआ, तो इसमें से x क्या आया? Z plus z bar by 2i, y क्या आएगा? Z minus z bar by 2i आया, true? Now f is also a function in x z. U को मैं कैसे लिख सकता हूं? Z plus z bar by 2, कमा z minus z bar by 2 आयोटा।
plus I V times Z plus Z bar by 2, comma Z minus Z bar by 2. Isn't it? Now FZ is a function of two variables Z and Z bar. Basically, he is taking Z and Z bar as two different numbers and he is shown it in this way. Okay? Now, if derivative exists, then it should exist in any different manner. Matlab, x not kaise bhi tend kare, in any particular manner it should exist. Okay? So, to calculate fz, what he is assuming is, he is assuming z to be purely real. Okay? He is assuming z to be purely real. Tab kya ban jayega ye? Assuming z to be purely real, ये क्या बन जाएगा u of z comma 0, I mean assuming purely real is z is equal to जब z bar होगा तभी purely real होगा, ठीक है? तो u z comma 0 plus i v z comma 0, isn't it? Now f dash of z को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? डेल ऑफ जेड को मैं दिखा सकता हूं डी यू बाई डी एक्स, दिस इज जेड कमा जीरो प्लस डी वी आई टाइम्स डी वी बाई डी एक्स एंड जेड कमा जीरो जो लगा दीजिए. डू नॉट फॉलो, डोंट वरी, आई टेल यू. तो यहां से ये आ गया. अब सुनिए क्या करना है मुझसे. बेसिकली आई विल रिप्लेस दिस विद, नाउ बेसिकली दिस इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना इजी हो गया है. इसके नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, ही रिप्लेस योर जेड विद एक्स. ठीक है, तो ये आपका एफ जेड बन जाएगा. For example, let me take it in the small portion. The portion being last time wala question hi nahi hai. 3x square minus 3y square. Okay. According to Milne Thompson method, f dash of z ko main kaise likh sakta hu? Dou u by dou x plus I dou v by dou x z comma 0 z comma 0. Is it? According to अकॉर्डिंग टू पिछले ऑप्शन की जरूरत नहीं है. अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आएगा, इज इट इट. तो इसको डो यू बाई डो एक्स कीजिए तो क्या बनेगा, डो यू बाई डो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 6x एंड डो यू बाई डो वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 6y. नाउ इसमें z का 0 पुट कीजिए तो ये क्या बनेगा, 6z. इसमें भी z का मान 0 पुट कीजिए तो क्या बनेगा, 0. तो मेरा f डैश और z क्या बना अल्टीमेटली, 6z प्लस 0. दिस इज माय f डैश ऑफ z. मुझे क्या चाहिए, fz चाहिए. तो fz क्या होगा, f डैश और z मेरा क्या आया, 6z आया. इजंट इट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट तो fz क्या आएगा, 6z स्क्वायर बाई 2 प्लस k. इजंट इट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट 6 है, z स्क्वायर बाई 2 आया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k आया. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3z स्क्वायर प्लस k. व्हाट इज योर z, x प्लस iy का स्क्वायर. इजंट इट, बेसिकली z इज x प्लस i है ना, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2yxy प्लस k. इजंट इट, x प्लस iy का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस iy का स्क्वायर व्हिच इज माइनस y स्क्वायर प्लस 2yxy. तो यहां से मेरा u क्या निकला, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. यहां से मेरा v क्या निकला, 6xy. समझ आया, दिस इज मिलने में.
मिलने में तो बेसिकली बहुत इजी पड़ेगा आपको जब आपका आंसर जेड के टर्म्स में दिया हो। इसको कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सोच लीजिए आपको यू दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, दो यू बाई दो एक्स दो बी बाई हाँ बेसिकली आई रिप्लेस दिस इन टर्म्स ऑफ यू हाउ विल आई रिप्लेस दिस इन टर्म्स ऑफ यू आई कैन ओनली फाइंड दिस ओनली इफ इट्स एनालिटिक ना, मैं सारा महावार तभी कर पाऊंगा जब एनालिटिक है इजंट इट। तो जब एनालिटिक है दो बी बाई दो एक्स को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस तो माइनस कर दीजिए ये सिक्स हो जाएगा, इट डजंट मैटर यहाँ पे सिर्फ जीरो आया, इट इज नॉट मैटरिंग इट शुड हैव बीन मैटरिंग ठीक है। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, तो ये जीरो बना ये सिक्स जेड बना, जो भी मैंने डिफरेंशिएशन निकाला उसमें जेड का वहाँ जीरो पुट कीजिए, एक्स की जगह जेड वाई की जगह जीरो एक्स की जगह जेड वाई की जगह जीरो, तो यहाँ पे सिक्स जेड आया यहाँ पे जीरो आया, तो अल्टीमेटली मेरा एफ जेड निकला मुझे एफ डैश ऑफ जेड निकला जेड की टर्म्स में। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए एफ जेड निकाल लीजिए, क्रॉस चेक करने के लिए इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट चेक करोगे तो ऑब्वियसली ये लास्ट क्वेश्चन ही था, यू मैंने क्वेश्चन में दिया है वी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है तो यही आया, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, यू अंडरस्टैंड दिस। सिंस एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट हम ये सब सिंस एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है और वो अनलिमिटेड है इसीलिए मैं ये सब कर पा रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दैट प्योरली एक्स मान के मैं करूंगा तो भी डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा, बट हाउ यू डू इट इज दिस वे, बट ओनली इनसाइड यू कैन टेक इज अज्यूमिंग दैट इट इज ओनली रियल फंक्शन है तभी जाके वो ये रिप्लेस कर सकता है, मे बी दैट्स व्हाई ही हैज पुट जेड का वैल्यू 0 एंड एक्स की जगह जेड लगा दो वाई की जगह 0 लगा दो, इसलिए चेंज इन एक्स की जगह 0 लगा दो चेंज इन एक्स की जगह जेड लगा दो ठीक है। बेसिकली मिलने फंक्शन बड़ा इजी है बड़ा सिंपल है, काफी सारे क्वेश्चंस इससे इजीली हो जाएंगे ठीक है, यू अंडरस्टैंड मिलने फंक्शन मेथड नाउ। अब से हम मिलने फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि मिलने फंक्शन में ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं रहती है, बहुत सिंपल रहता है। अनदर क्वेश्चन मे बी फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज साइन 2x बाई हुज रियल पार्ट इज साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। If this is u, find f z. मिलने लगाओ दो स्टेप्स में आ जाए हुआ हो गया, did you get this question? Quads? What is that? Quad? हाँ I didn't get any answer. So this is u. So what will I do? du by दो यू बाई दो एक्स तो क्या था बताइए, यू बाई वी कॉस एच टू वाई माइनस कॉस टू एक्स का स्क्वायर और ऊपर क्या होगा कॉस टू एक्स इंटू टू कॉस एच टू वाई माइनस कॉस टू एक्स माइनस साइन 2x इंटू कॉस एच टू वाई का डिफरेंशिएशन क्या है साइन एच टू वाई इंटू टू और माइनस कॉस एच का प्लस साइन 2x x के साथ कर दूं ना तो ये जीरो हो जाता है, दिस इज जीरो एंड यस दिस इज प्रॉपर इज इट इट यस। इफ आई डू डो यू बाई डो वाई अब क्या आएगा cos x 2y minus cos 2x का स्क्वायर इनटू y के साथ करूं तो ये क्या होता व्हाट विल बी दिस g f dash f dash इज 0 minus f dash इज cos 2x इनटू
cos x 2y minus cos 2x, isn't it? Now, I hope you understand this. G by f kya hai bas. G by f ka whole dash is gf dash minus fg dash by g square. Same thing. Now, put x is equal to z, y is equal to 0. So, ultimately kya banega? This will be 2 cos 2z. ये क्या बनेगा? 0. Cos h 0 is what? 1. 1. Cos x theta क्या होता है? E power theta minus e power minus theta by 2, which is 1 आएगा. तो 1 minus 1 with this x is cos 2z minus 2 sin 2z into a, what is this? Sin 2z, sin square 2z divided by, what is this? This is again 1 minus, this is what? Cos 2z ka square. What will be this? Isme bhi main kya put karunga? Z comma 0. Iska kya aayega? Minus 2 cos 2z into 1 minus cos 2z divided by 1 minus cos 2z. Y के रिस्पेक्ट में करना था तो फर्स्ट टर्म आनी थी या फिर नेक्स्ट टर्म जीरो जाने थी. Y के रिस्पेक्ट में करना था तो g dash sin 2x आता, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट. हाँ, तो what will be this? sin 2x into 2 sin hyperbolic 2y minus 0 plus or minus 0. ठीक है, 0. हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, तो ये 0 बन रहा है. वेरी गुड, नाइस. तो मेरा fz क्या होगा? माय f डैश ऑफ z विल बी dou u by dou x at z comma 0 प्लस iota dou v by dou x at z comma 0. One more observation. Since we are assuming the function to be purely real, always this will become 0, I guess. Isn't it? हमारा substitution ही हम ऐसा ले रहे हैं कि ये term 0 बन जाए. I don't know, maybe we can do some more sums and हम थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में. Try to think about this. ठीक है? Constant भी हो सकता है. Constant तो integration में आ जाएगा ना. हाँ, तो ये क्या बनेगा? f dash of z is equal to, उधर से क्या आया बताइए? Someone please help me. 2 cos 2z minus cos 2 divided by 1 minus cos 2z whole square. इसका integration करना है मुझे. क्या कैंसिल हो जाएगा? माइनस टू अपॉन वन माइनस कॉस. अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? माइनस टू बाई वन माइनस कॉस टू जेड टू डी जेड. तो ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस ही, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वन माइनस कॉस तो कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस ए. तो इसे साइन में करो, कॉस बी जी वन कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस टू टू माइनस कॉस टू थीटा क्या होगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ टू माइनस टू कॉस स्क्वायर
2 minus 2 cos square z. 2 cos square z dz. इससे क्या आएगा? 1 minus cos square z sin square. So sin square लिख सकते हैं. हाँ. तो इसके बाद आपका आएगा इधर. Which is 2 to 2 cancel हो गया. Minus बाहर है. 1 minus cos square z को मैं sin square z लिख सकता हूँ. और 1 by sin square z को क्या लिख सकता हूँ? Cos x. Cos x square z dz. इधर क्या है मेरा? F dash of z. Sorry, f of z. F of z क्या आएगा फिर? Minus cot z plus k. तो ultimately क्या आएगा? Cot z plus k will be your answer. ठीक है? This should be the answer. Fine. एक question homework दूंगा आप घर पे कीजिए. लिखिए कोई होमवर्क भी करना है लिखिए बड़ा क्वेश्चन है ऐसे डिटरमाइन एफ जेड दिस इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इफ यू माइनस बी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस e power minus y divided by 2 cos x minus cos hx. And f of pi by 2 is equal to 0. This is the question. Determine the analytic function fz if u minus v is equal to this. How do you do this? There's another way, that's why I'm saying apart from that. सोच लीजिए आपका fz क्या है? U plus ip है, isn't it? Now if I multiply i, what will I get? Iu minus v, isn't it? If I multiply this equation with i, तो ये क्या बनेगा? Ifz plus iu minus i square v, तो ये minus v बन जाएगा. उधर को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस आई इनटू एफ जेड विल बी इक्वल टू व्हाट यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी इजंट इट तो व्हाट इज दिस इसको जी जेड बोलो और इसको क्या बोलो सम ए प्लस आई वी आपको ए दिया हुआ है आपको वी का अदा करना मिलने से हो जाएगा ए आपको पता है भी आप कदा कर लेना मिलने से तो आपको जी जेड आ जाएगा एक बार जी जेड आ जाएगा जी जेड डिवाइड बाई वन प्लस आई वाई करोगे तो एफ जेड आ जाएगा इजंट इट तो यहाँ पे मिलने लगाओ मिलने थॉमसन मेथड वो क्या होगा जी डैश ऑफ जेड विल बी इक्वल टू डो ए बाई डो एक्स एट जेड कामा जीरो प्लस आयोटा डो बी बाई डो एक्स एट जेड जीरो ये लगाओगे तो जी जेड आएगा उससे जी जेड आएगा जी डाई जेड आएगा जी जेड आएगा उससे एफ जेड आएगा दिस इज ऑल्सो वन वे दैट इज ऑल्सो अनदर वे ठीक है दो तरीके हैं ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ठीक है फाइन राइट सॉल्व दिस एंड यू कैन गो